और फिर यहाँ के लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये हॉन्टेड हवेली है। क्यों लगता है, क्या क्या दिखता है यहाँ? मैं देख रहा हूँ जैसे काफी गंदा है, देखो ये मकड़ी के जाले लगे हुए यहाँ पे। उसने एक बार कहा था कि यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं, जो डोर्स है, ये ऑटोमेटिकली हिलने लगते हैं आपके। यहाँ पे जो दीपक है ना, वो यहाँ पे नीचे की तरफ रात को जल जाता है। पता नहीं वो दीपक कहाँ से आता है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो दीपक जल जाता है यहाँ पे। हाँ, इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल गंदगी है, कोई भी नहीं आ रहा है इधर। इस रूम के अंदर मत जाओ भैया। नहीं जाना अंदर? हाँ नहीं जाना, इस रूम में जाने के लिए लोग मना करते हैं। इसके अंदर जाने मना करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो राजा महाराजा लोग, सेठ लोग जो रहते थे, उनका ये कमरे है। फिर उनकी डेथ होने के बाद ऐसा माना जाता है कि उनकी जो आत्मा है वो यहीं पे ही रहती है, उनकी हवेली में छोड़ के नहीं गई। इस तरह भी नहीं जा सकते? नहीं, मैं तो चाहता हूँ इस कमरे में एक बार जाके आऊँ मैं। नहीं, इसमें जाना लो नहीं है ऐसे। एक बार मैं जाके आऊँ, आप आ रहे हो साथ में? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, मैं एक बार आने जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस कमरे में आ गया हूँ, भैया मना कर रहे थे आने के लिए। इस तरफ जाऊँ भैया? इस तरफ? हाँ इधर आगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड रनर टाइगर। अभी जिस हवेली में हूँ, शायद ये मेरी मंडावा सीरीज़ की यह आखिरी हवेली है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। और मैं जिस हवेली को अभी कवर कर रहा हूँ, ये यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि ये हॉन्टेड हवेली है। यहाँ कोई नहीं रहता है और इनके केयर टेकर भी जो है वो बाहर रहते हैं। इसकी क्या स्टोरी है, क्यों ये हॉन्टेड है, यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं मुबारक जी के साथ घूम रहा हूँ। मुबारक जी ही हमें इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहूँगा बिकॉज ऑफ निगेटिव एनर्जी एंड ऑल। हमें बताया गया है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको, अगर आप रोड रनर टाइगर के पुराने व्यूअर्स हैं, तो आपको पता होगा कि ऐसी जगह तो मैं ढूंढता रहता हूँ। तो एक बार यहाँ अंदर भी चलेंगे, देखेंगे, घूमेंगे और पता करते हैं ये हॉन्टेड क्यों है और क्या है यहाँ पर। के अंदर चलते हैं। हाँ, हॉन्टेड हवेली के नाम से जो प्रसिद्ध हवेली है यहाँ मंडावा में, हाँ, उसके अंदर चलते हैं। अच्छा, ये तो पूरी खंडर टाइप की लग रही है। यहाँ कोई नहीं रहता है? यहाँ कोई नहीं रहता है। पहले के टाइम पे सेठ लोग यहाँ रहते थे। हाँ हाँ। और मंडावा में हवेलियों में जो सबसे जो अच्छी पेंटिंग इसकी थी, हाँ, वो इसी हवेली की पेंटिंग थी। हाँ, यहाँ पे देखिए अभी भी कलर्स अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। लेकिन ये जो पीपल के पत्ते यहाँ पे टूट के गिरते थे, इसमें पेड़ है ये, तो फिर पीपल के पत्ते यहाँ के लोकल ने यहीं पे जला दिए थे, तो इस वजह से पूरा ब्लैक हो गया। अच्छा अच्छा। और फिर यहाँ के लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये हॉन्टेड हवेली है। क्योंकि क्यों लगता है, क्या क्या दिखता है यहाँ? मैं देख रहा हूँ जैसे काफी गंदा है, देखो ये मकड़ी के जाले लगे हुए यहाँ पे, ये हॉन्टेड जैसी फीलिंग देती है। अच्छा। नाइट में जिसको लोग इसको घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट के लिए वैसे ओपन है ये, 7:30 बजे से पहले इसको घूम सकता है। हाँ। लेकिन फिर इसको घूमने के लिए अलो नहीं करते, रात में अलो नहीं करते। हाँ। इसमें हम लोग ऊपर जाएंगे? हाँ ऊपर जाएंगे। ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? चलो। यहाँ के जो लोकल है, उसने एक बार कहा था कि यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं, जो डोर्स है, ये ऑटोमेटिकली हिलने लगते हैं यहाँ पर। ये तो काफी गंदा है, कोई नहीं आता क्या यहाँ पे लगता है? ये तो मकड़े का जाला मेरे पैरों में फंस रहा है, पूरा पैरों में फंस गया इनफैक्ट। कोई क्यों नहीं आता है यहाँ पे? यहाँ पे बस घूमने के लिए ओपन कर रखा है इसको, टूरिस्ट के लिए, वो भी शाम तक, अंधेरा होने के बाद नहीं। हाँ शाम तक ओपन कर रखा है, फिर ओपन नहीं। ये इस हवेली के रूम्स हैं अंदर, हाँ, जिसमें जो हवेली के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो रहते थे यहाँ पे। हाँ। तो ये वाला देखिए इधर जी,
ये उनका यहाँ पे नहाने के लिए सब में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। यहाँ के लोकल्स लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो दीपक है ना, हाँ, वो यहाँ पे नीचे की तरफ रात को जल जाता है। पता नहीं वो दीपक कहाँ से आता है, लेकिन ऑटोमेटिकली अच्छा। वो दीपक जल जाता है यहाँ पे, हाँ, इस पेड़ के नीचे। इस पेड़ के नीचे ओके। और फिर दीपक जलने के बाद फिर हाँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह हुई भी रहती है पहले हाँ। से। और फिर वो जब सुबह जब आकर देखते हैं लोग हाँ। तो फिर कोई नहीं मिलता है यहाँ पे। ये सारा यहाँ मैं देख रहा हूँ बिल्कुल गंदगी है, कोई भी नहीं आ रहा है इधर। इस रूम के अंदर मत जाओ यार। नहीं जाना अंदर? हाँ नहीं जाना। इस रूम में जाने के लिए लोग मना करते हैं। इसके अंदर जाने मना करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो राजा महाराजा लोग सेठ लोग जो रहते थे हाँ। तो उनका ये कमरे है। फिर उनकी डेथ होने के बाद ऐसा माना जाता है कि उनकी जो आत्मा है वो यहीं पे ही रहती है, उनकी हवेलियों में छोड़ के नहीं गई। इस तरह भी नहीं जा सकते? ये नीचे जाने की सीढ़ियाँ है। से वापस जा सकते हैं बाहर? बाहर नीचे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से ऊपर नहीं जाए? ऊपर जाने के लिए भी अलो नहीं करता है यहाँ का सेठ। अच्छा सेठ हम कहते हैं कि यहीं रहता है वो। हाँ ओके, जैसे ये घर है। नहीं मैं तो चाहता हूँ इस कमरे में एक बार जाके आऊँ मैं। नहीं इसमें जाना अलो नहीं है ऐसे। एक बार मैं जाके आऊँ? केयरफुली ध्यान से जाना। आप आ रहे हो साथ में? नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा। ठीक है मैं एक बार आने जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस कमरे में आ गया हूँ, भैया मना कर रहे थे आने के लिए। इस तरफ जाऊँ भैया? इस तरफ? इस तरफ हाँ, इधर आगे नहीं, नहीं जाने इस तरफ। चलो ठीक है मैं कमरे के अंदर तो आ गया हूँ। हालांकि इधर भी दिखाया देता है खिड़की खुली हुई है, रोशनी है, अंधेरा नहीं है, लेकिन शायद ये सेठ जी का कमरा था और यहाँ पर वो आने मना करते हैं। भैया अंदर नहीं आ रहे हैं और मुझे भी मना कर रहे थे आने के लिए, लेकिन वही बात है ना, YouTube का कीड़ा है, एक बार मन करता है जाके देखूं ज़रूर। बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ कितनी सारी जालियाँ लगी हुई हैं, ताले सारे बंद हैं और हर जगह मकड़ी का जाल लगा हुआ है। यहाँ पे जगह तो ये ठीक नहीं दिख रही है, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है भैया, बाकी मना कर ही रहे हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन जगह ठीक नहीं दिख रही है, पत्ते पड़े हुए हैं, जाल मकड़ी के लगे हुए हैं। जब मैं ऊपर आ रहा था सीढ़ियों से तब भी मैंने इस बात पर ध्यान दिया, देखो ये वैसे मेरे पैर में फंस रहे हैं सारे, तो मकड़ी के जाल जो हैं वो हर जगह मेरे पैरों में आ गए थे। अरे भैया आगे अभी क्यों भागे हो? चलो अच्छा, ये दीपक किसी ने जलाया नहीं यहाँ पे? नहीं अपने आप जलने लगता है? तो ये दीपक कोई तो रख के गया होगा यहाँ पे। वो कैटेगरी रख के जाता है, रख के जाता है जलता अपने आप है। हाँ। तो रखने कोई नियम है क्या रखना ही है दीपक? नहीं नहीं यहाँ पे पूजा करते हैं पीपल के पेड़ की। और ये दीपक अपने आप जलता है जबकि इसमें कुछ है भी नहीं, बत्ती भी नहीं, सिर्फ बत्ती है इसमें। यार अभी हम चलते हैं मंदिर। मैं निकल गया हूँ इस हॉन्टेड हवेली से बाहर और उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। जिस कमरे में भैया ने जाने से मना किया मैं वहाँ भी गया, ऐसे मुझे कुछ फील तो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं अच्छा किया बुरा किया मुझे नहीं मालूम। लेकिन अपने आप में भी ये हवेली बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जब भी कभी आप मंडावा आए तो इस हवेली में ज़रूर आएँ। क्या नाम है भैया इस हवेली का? गोयनकास की हवेली। गोयनकास की हवेली। ये वाली हवेली पर्टिकुलर किसकी है? जो तारकेश्वर गोयनका। अच्छा तारकेश्वर गोयनका, तारकेश्वर गोयनका जी की हवेली है, तो यहाँ पे भी आप ज़रूर आए। चैनल पर नया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।